ये देख रहे हैं आप, ये है पारिजात का पेड़। और बताया जाता है कि आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है, और ये करण ने अपने बगीचे में स्वर्ग से मंगवाया गया पौधा है। और ये जिसके घुटनों में दर्द होता है उसके लिए कहते हैं, इसके चार पत्ते का काढ़ा बना के पिया जाता है, और इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं, और जिसकी रात को ही खिलते हैं वो सुबह नीचे गिर जाते हैं। बाजी बजाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और इसकी खुशबू दूर तक आती है, इसकी खुशबू भी काफ़ी दूर तक महक आती है इसकी। पारिजात और हार श्रृंगार, इसका नाम दिया है पारिजात और हार श्रृंगार इस पौधे का। 15-20 इसकी हाइट दोस्तों कम से कम 10-12 फुट के करीब ही है, और ये पौधा बड़े बहुत ही लाभदायक है। आप अपने बगीचे में इसे जरूर लगवाएं। आप इसको अपने बगीचे में जरूर लगवाएं। जिस माताओं बहनों के घुटनों में या पैर में दर्द है तो इसके चार पत्ते पानी में उकाड़ कर काढ़ा करके पिए, तुरंत लाभ मिलेगा आपको, तुरंत लाभ मिलेगा। ये देख रहे हो पत्ते, इसके जो चार पत्ते हैं ये देखो, ये चार पत्ते इसके लेकर आप गर्म पानी में बिल्कुल काढ़ा कर लें, और फिर इसको उस काढ़े को पिए खाना खाने के बाद सोते वक्त, और आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। हाय दोस्तों, सर मैं कहना भूल गया था, इसके जो चार पत्ते हैं ना वो काढ़ा बनाकर उकाड़ कर बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हो जाए तब इसको, मतलब सुबह सुबह चाय नहीं पीनी है इसको, पहले इसको काढ़े को पीना पाने, ठीक है ना, खाली पेट। उसके बाद में एक घंटा बाद में आप कुछ खा पी सकते हो, और तुरंत इसे लाभ मिलेगा। ये देख रहे हो आप, इसकी हाइट लगभग मान के चलो आप 10-12 फुट करीब है, और आप इसको अपने बगीचे में ज़रूर लगाएं। हाँ दोस्तों, इसका नाम बता दूँ आपको, इसको पारिजात और हार श्रृंगार इसका नाम है इस पौधे का, और बहुत ही लाभदायक है। ये देखो आप, ये देख रहे हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, मैंने भी आज इसको पहली दफ़ा देखा है, और इसके बारे में मैं आपको वीडियो डाला हूँ। ये देखो आप, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, मैंने भी आज पहली बार नाम सुना है इसको, और इसके जो फूल हैं वो रात को ही खिलते हैं और सुबह झड़ जाते हैं, रात को ही खिलते हैं इसके फूल। और इसके फूल भी मैं आपको बता देता हूँ, वाइट कलर के छोटे छोटे से फूल लगते हैं, और ये जो पत्ते हैं इनके बहुत ही लाभदायक है। जिन माताओं बहनों के पैर में दर्द है वो आप चार पत्ते लेकर काढ़ा बनाकर सुबह सुबह खाली पेट पी सकते हैं इसको। ये हमारे गांव का स्वर्गाश्रम है, यहाँ ये पौधा लगाया गया है, और इस पौधे के लिए आप जानकारी के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं कि कैसे इसको उपयोग करें और कैसे इसको पीना है काढ़ा बनाकर, तो संपर्क कर सकते हैं। ओके।